महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए एक राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर 2.5 रुपए राहत देने के बाद कई राज्यों ने भी 2.5 रुपए तक वैट कम कर दिया है। इससे जहां सभी जरूरत की चीजें सस्ती होंगी और देश के कई राज्यों में भी पेट्रोल डीजल के दामों में भी कमी आएगी, इसे लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल की कीमतों पर 2.5 रुपए की राहत देने के बाद कई राज्यों ने भी 2.5 रुपए तक वैट कम करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक कम हो गए हैं। रोजाना बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से जनता पर पड़ रही महंगाई की मार को आखिरकार केंद्र सरकार ने कुछ कम कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेट्रोल डीजल पर से प्रति लीटर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। साथ ही ये भी बताया है कि पेट्रोलियम कंपनी अपनी तरफ से 1 रुपए कम कर रही है। इस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें पूरे देश में 2.5 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएंगी। एक्साइज ड्यूटी हम लोग 1.5 रुपया 1.50 रुपए कम करेंगे और जो OMCs हैं वो 1 रुपए की कटौती अपनी प्राइसिंग में फैक्टर इन करेंगी। तो केंद्र सरकार की तरफ से हम लोग 2.5 रुपए तुरंत कंज्यूमर्स को इसका रिलीफ देंगे, पेट्रोल और डीजल दोनों पे 2.5 रुपए का रिलीफ देंगे। केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के साथ ही अरुण जेटली ने राज्य सरकारों से भी इस बात का अनुरोध किया कि वो भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को कम करके जनता को महंगाई से राहत दे। अरुण जेटली की इस अपील का कुछ ही देर में असर भी देखने को मिला और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और झारखंड की राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर से 2.5 रुपए तक के वैट कम करने का ऐलान कर दिया। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई और ये निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमत में 2.5 रुपया की छूट दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने टैक्स में कमी करते हुए 2.5 रुपये की छूट देते हैं। इस प्रकार आज से ही 5 रुपया प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमत। तत्काल मैंने बात की मुख्यमंत्री जी से और हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम भी 2.5 रुपए डीजल पर और 2.5 रुपए पेट्रोल पर कम करेंगे। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में रोजाना इजाफा हो रहा था उससे सरकार के प्रति जनता में आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। विपक्ष भी लगातार सरकार को अपने निशाने पर ले रहा था। ऐसे में एक बात तो साफ है कि पेट्रोल डीजल के दामों में 2.5 रुपए की कटौती कर केंद्र की मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब बारी राज्यों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, भोपाल।